सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेपर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है और मुझे लंच में कुछ बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि छुट्टियाँ भी हो गई हैं बच्चों की, तो वो घर पे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना है। तो जो भी इजी लगेगा मैं वही बनाऊँगी। तो मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस तरह मेरी बाकी वीडियोज़ को आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लंच में आज क्या बना रही हूँ। बहुत सिंपल है। तो आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मूड नहीं होता है बनाने का, तो आप इस तरह का रेडीमेड चीज़ रख सकती हैं घर में, बना सकती हैं। जो बस फटाफट बना के दे दिया, फिर आप डिनर में थोड़ा अच्छा बना लीजिए। तो मैं अभी चलती हूँ किचन और आपको बताती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ लंच में। तो यहाँ पे मैंने इजी वे में जो मुझे बनाना है मैं वही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है इडली का जो रेडीमेड आता है बैटर वो, और उसमें मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। और मैं यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ था मटर थी मेरे पास सिर्फ, और आपके पास जो जो सब्जियाँ वो भी डाल सकती हैं, बट मेरे पास सिर्फ मटर थी। तो मैंने मटर, प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और मैं उसे इसमें डाल दूँगी। बहुत टेस्टी क्रिस्पी लगता है ये, आप इसे ज़रूर बनाएं। बस अब ये रेडी हो गया, मुझे बस इसे बनाना है। ये तो मेरा खाने का हो गया। घर पे बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं सिंपल में ये नो चीजी एंड हर्ब्स है मेरे पास, तो वो मैं उसे बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज रेडी कर ली है। इधर मैंने अदरक वाली चाय चढ़ा दी है, इधर मैं नूडल्स के लिए पानी चढ़ा दिया है, और ये तवा। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ। तवा बिल्कुल गर्म हो गया है, इसमें हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिए। बच्चों को जो कुछ हेल्दी दें, लेकिन कभी कभी इन सब चीजों को भी देना चाहिए, हैबिट में रखना चाहिए। तो ये मेरा इडली बैटर का उपमा तैयार हो गया और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट से। यहाँ मैगी भी तैयार हो गया।
मेरा उपम तैयार हो गया। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये चाय फटाफट रेडी होने वाली चीज है ये। और ये मेरे दोनों बच्चों के लिए मैंने मैगी रेडी कर दिया है। तो इस तरह मेरा लंच इजी वे में बन गया और मैं अब इसे खाऊंगी और खाते खाते मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर भी देते जाऊंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो मैं उसका आंसर भी देती रहूंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए।